स्वागत है दोस्तों आपका महाराष्ट्र चैनल में। आज हम चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया उनके बहुत ही महत्वपूर्ण नॉवेल बर्नबाय रज के शॉर्ट इंट्रोडक्शन और शॉर्ट समरी को पढ़ेंगे, जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। बर्नबाय रज वीकली सीरियल इन मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक फरवरी 13, 1841 टू नवम्बर 27, 1841। देखिए, बर्नबाय रज यह एक प्रकार का नॉवेल है जो वीकली सीरियल जो पूरे सप्ताह में चलाया जाता था इन मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक, मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक में। ठीक है, मास्टर हम्फ्री क्लॉक में इसे 13 फरवरी 1841 से चलाया जाता था और 27 नवंबर 1841 तक चलाया गया। इज अ हिस्टोरिकल रोमांटिक नॉवेल, यह एक प्रकार का हिस्टोरिकल रोमांटिक नॉवेल है। इट्स पार्ट आर नॉट वेल नीड टुगेदर, और इस नॉवेल के जो पार्ट्स हैं मतलब हिस्से हैं वह सही ढंग से एक साथ नहीं है। इट डील्स विद द एंटी प्रॉपर्टी गॉर्डन रियोट ऑफ 1780। देखिए, यह 1780 के गॉर्डन दंगों के विरोधी दल को दर्शाता है। इट इज आल्सो नोन एज बर्नबाय रज अ टेल ऑफ द रियोट ऑफ 80। देखिए, यह जो नॉवेल है बर्नबाय रज, ये अ टेल ऑफ द रियोट ऑफ 80 के नाम से भी जाना जाता है। सर जॉन चेस्टर इज एडवर्ड फादर, अब यहाँ से हमारा समरी स्टार्ट होता है। इसमें सर जॉन चेस्टर जो है वो एडवर्ड के पिता हैं। ही इज अ स्वॉर्न एनेमी ऑफ द रोमन कैथलिक, वह रोमन कैथलिक चर्च के जियोफ्री हरदयाल के सबसे कट्टर दुश्मन है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें सर जॉन चेस्टर जो है एडवर्ड के पिता हैं और वह रोमन कैथलिक जियोफ्री हरदयाल के सबसे कट्टर दुश्मन है। एडवर्ड इज इन लव विद हरदयाल्स निस इम्मा, जो एडवर्ड है इज इन लव विद हरदयाल्स निस इम्मा, एडवर्ड हरदयाल की भतीजी इम्मा से प्रेम करते हैं। द गॉर्डन रियोट्स ओक्योर, वहीं से ये दंगे प्रारंभ होते हैं, मतलब वहीं से गॉर्डन के दंगे प्रारंभ होते हैं। हरदयाल्स हाउस इज बर्न्ट, और उसमें हरदयाल के घर को जला दिया जाता है। द रियोटर्स मेक इम्मा हरदयाल एंड डॉली वर्डेन कैप्टिव, और उसमें जो रियोटर्स थे मतलब जो दंगई थे उन्होंने इम्मा हरदयाल और डॉली वर्डेन को बंदी बना लिया। एडवर्ड सेव्स द लाइफ ऑफ हरदयाल, और एडवर्ड ने हरदयाल के जीवन को बचाया, मतलब हरदयाल को और इम्मा को बचा लिया। ही विंस हरदयाल्स हर्ट एंड गेट्स हिज परमिशन फॉर हिज मैरिज विद इम्मा, और ही मतलब एडवर्ड ने हरदयाल के हृदय को जीत लिया एंड गेट हिज परमिशन फॉर हिज मैरिज, और उसने हरदयाल से अपनी शादी के लिए परमिशन मांगा। ठीक है, आज्ञा मांगा कि वो क्या इम्मा से शादी कर सकता है। हरदयाल्स फाइंड आउट दैट द मर्डर्स ऑफ हिज ब्रदर रेबिन हरदयाल इज द स्टेवर्ड रज। देखिए, तभी हरदयाल को ये पता चलता है दैट कि द मर्डर्स ऑफ हिज ब्रदर रूबिन हरदयाल इज द स्टेवर्ड रज। तभी हरदयाल को ये पता चलता है कि उसके भाई का जो खून हुआ था, उसके भाई रूबिन हरदयाल का जो खून हुआ था इज द स्टेवर्ड रज, वह रज का कोषाध्यक्ष है। रज इज द फादर ऑफ हाफ विटेड बर्नबाय, रज जो है वो हाफ विटेड बर्नबाय का पिता है। रज इज हैंग्ड, रज को फांसी दे दी जाती है। बर्नबाय इज टेकन प्रिजन, और बर्नबाय को जेल भेज दिया जाता है। बर्डन मेक्स एफोर्ट एंड गेट्स बर्नबाय बर्डन्स, देखिए बर्डन मेक्स एफोर्ट, और वर्डेन अत्यधिक प्रयास करता है जिससे कि गेट बर्नबाय बर्डन, जिससे कि बर्नबाय को माफ़ कर दिया जाता है, मतलब रिहा कर दिया जाता है।
मिक्स बिकम्स अ जेलर एट द वुमेन्स प्रिजनर प्रिजन। देखिए उसके बाद मिक्स को वुमेन्स प्रिजन मतलब स्त्रियों की जेल का जेलर बना दिया जाता है। सर जॉन चेस्टर बिकम्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सर जॉन चेस्टर को पार्लियामेंट का सदस्य बना दिया जाता है। उसके बाद ज्योफ्री हरदयाल किल्स हिम इन अ ड्यूएल। उसके बाद ज्योफ्री हरदयाल ने उन्हें द्वंद्व युद्ध में मार देते हैं। ही पासेस हिज डेज इन अ मोनेस्ट्री। उसके बाद वह अपना जीवन एक मठ में बिताने लगते हैं। बर्न बाय एंड हिज मदर टेंड अ फार्म एट द मेपॉल इन। उसके बाद बर्नबाई और उनकी जो माँ थी वह मेपॉल इन में रहने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये नॉवल भी खत्म होता है। ओके बाय।